पटामुंडी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को राज्य सरकार सब डिविजन हस्पिटाल मान्यता प्रदान करथिले मध्य दीर्घ वर्ष हेबो आवश्यक होतबा विशेषज्ञ डाक्टर और अन्यन्य पदवी गुड़िकरे नियुक्ति दिया जाय नथिबा अभियोग करी पटामुंडी बीजेपी पक्षरु राजरास्ता कोल्हाइछि। तबे एनै बीजेडी पक्षरु पूर्वतन विधायक तथा राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अलेख कुमार जेना नेतृत्व में बीजेपी कर्मी सहित शताधिक जनसाधारण दलय कार्यालय शोभायात्रा बाहरी स्थानीय श्री राम मंदिर सम्मुख यज्ञ पड़िया धारणा देते आयोजित प्रतिवाद सभा में राज्य बीजेपी साधारण संपादक पृथ्वीराज हरिचंदन मुख्य अतिथि भाव जोगद राज्य सरकार विफलता संपर्क में आलोचना करने सहित गरीब लोक मगणारे स्वास्थ्य सेवा जोगेबा केन्द्र सरकार आयुष्मान भारत योजना राज्य सरकार लागू नक घटनार कड़ा समालोचना कर राज्य बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य तथा भुवनेश्वर जिला प्रभारी अध्यापक भुवन मोहन जेना मुख्य वक्ता भाव जोगद आवश्यक डाक्टर निजुक्ति नद स्वास्थ्य केन्द्र रूपरंग बदल और सब डिविजन हस्पिटाल मान्यता देवर कौन मूल्य ना पटामुंडी अंचलवासी विभिन्न समस्या समाधान करने उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा जोगेबा सरकार पटामुंडी सब डिविजन हस्पिटाल आवश्यक विशेषज्ञ डाक्टर निजुक्ति ओडिशा केन्द्र आयुष्मान भारत योजना लागू करने दावी करते सभापरि बीजेपी पक्षर महामहिम राष्ट्रपति उद्देश्य एक दावीपत्र सब डिविजन हस्पिटाल मुख्य चिकित्साकारी डाक्टर निराकर परिडा प्रदान कर देखते गोटे अचल सरकार जेतेबेले चले सेतेबेले राज्य रे सबुबेले सही समस्या आसे लोक प्रपीड़ित हुवंती लोक निस्वेषित हुवंती लोक असुविधार सामना करती तेणुक से सबु दृष्टिकोण देखा गले सरकार चलुनी मुख्यमंत्री निजे असुस्थ मुख्यमंत्री राज्य में कौन शासन चलती जानूना राज्य में किए शासन चलाऊँ से कथा भी मुख्यमंत्री जानती ना तेणुक ये आज जो उद्देश्य नहीं कि ये पटामुंडी अंचल ये आम कार्यकर्ता मैंने एक आंदोलन डाकरा देती गोटे सबुठ पुरतन हस्पिटाल ये हस्पिटाल को जी आवश्यकता अच्छे डाक्तर नहांती जहाँ आवश्यकता अच्छे से हस्पिटाल राज्य सरकार एपर्यंत दे पारिना तेणुक मो कह कथा है से हस्पिटाल ठू आरंभ करी प्रधानमंत्री आवास ठू आरंभ करी अंचल कौन सी विकास आज पूरा ओडिशा प्रदेश सारा जहाँ केन्द्र सरकार अनुदान रे केन्द्र सरकार केन्द्र सरकार सहायत जहाँ विकास हो राज्य सरकार भूमिका ए संपूर्ण गौण एवं सबुठ बड़ दुर्भाग्यर कथा हो राज्य आईन श्रृंखला परिस्थिति भी एक अत्यंत दुस्सहनीय स्थित आज पहुँची जो कारण आमे से बाबद्रे गोटे नारा दबा आरंभ करिचु एभली अचल मुख्यमंत्री आमर दरकार नहीं एभली मुख्यमंत्री ओडिशा प्रदेश को शासन करिवार कोनो आवश्यकता नहीं मुख्यमंत्री तुरंत इस्तफा दियंतु एभली एक आंदोलन डाकरा भारतीय जनता पार्टी देइची आकु ए अंचल जो स्वर उठी आज हस्पिटाल ठू आरंभ करके विभिन्न समस्या को लेकिन ताकू भी निश्चित भाव में आम आगक नबू एवं ये एक निर्णायक मोड़ पर्यंत लड़ाई चलो ये स्वास्थ्य केन्द्र से आईवी को उठे एक सब डिविजनल मंडली स्तरीय शिक्षालय खोलिया जो प्रयास करितलु एवं ये होची पटामुंडी स्वास्थ्य केन्द्र पटामुंडी राजनगर कनिका पटामुंडी पटामुंडी रो नगर मंडल एवं महाकालपड़ार अनेक पोर्सन निर्भर करती स्वास्थ्य सेवा किंतु उपखंड मंडल स्वास्थ्य केन्द्र पांच सात वर्ष है सरकार घोषणा कला आज डाक्तर नहीं स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ शेष जो विशेषज्ञ मान शेष से गायनोकोलोजी हूँ उपखंड मंडल सब डिजन स्तर स्वास्थ्य केन्द्र आज पटामुंडी को प्रत्येक दिन कोड़े पचीस तीस डाक्तर भुवनेश्वर कटक रु आ
रोगी मानक शोषण करोगी मान हटामुंडे स्वास्थ्य केन्द्र जो अभावस्था एवं पट्टामुंडे रोगी मानक जो दुरावस्था एवं उपखंड मंडल जो विशेषज्ञ रहा कथा मिनिमम 22 जन विशेषज्ञ रहा कथा से हाड़भंगा हूँ से मेडिसिन हूँ से गायनोकोलोजी डिपार्टमेंट हूँ से आखि हूँ किंबा जो साधारण शिशु विभाग हूँ सी आज नहांती आज शिशु विभाग ये डाक्तर मैंने आसिक प्राइवेटली देखुं मेडिकल ऑफिसर जा एक्सरे सेंटर बसुं लोक खोजिले लोगी खोजिले मिलूना यही दुरावस्था को दूर करने उपखंड मंडल विशेषज्ञ डाक्तर पूरण करने आज ये गणधारणा है ये गणधारणा जरिया आम मेडिकल अफसर जरिया आज महामहिम राष्ट्रपति पाख को एक मानपत्र प्रदान करूँ ये साधारण सभा पर मानपत्र दिजिव ये लड़ाई आरंभ होला जे पर्यंत रोगी सभा संपूर्ण भाव सक्षम होनी से पर्यंत ये आंदोलन चली रहइबो ये होची भारतीय जनता पार्टी एवं पट्टामुंडे राजनगर निष्पत्ति धन्यवाद। केन्द्रापड़ा बिरोची अनिरुद्ध सेटिंग रिपोर्ट संघर्ष टीवी।